दिन बदले, कैलेंडर बदले, मौसम बदले, ना बदले तो इस मकबूजा जन्नत के दिन ना बदले। फिजा बेगम, कुतिया अगर शेरनी की खाल पहन लेना तो वो शेरनी नहीं बन जाती, रहती वो कुतिया ही है। और कश्मीरी पंडितों की ड्रेस पहनकर अपने आप को कश्मीरी मत समझा कर। खैर, इस फिजा बेगम के इस लुक पर हमारे मेजर सर ने भी कुछ कहा है कि मैं तो नॉर्मली जब सलूट करता हूँ दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सलूट करता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूँ मैं दोनों हाथ से सलूट कर रहा हूँ। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। दुनिया के 195 ममालिक में अजल से वक्त के बूढ़े हाथों में दिन रात का खेल जारी है। अच्छा, दुनिया में एक खत्ता ऐसा भी है जहाँ ये आहें और सिसकियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, वो खत्ता है फिजा का। इस तरह की हरकत की जाती है जहाँ कभी आहे सिसकियाँ कभी खत्म नहीं होती। ये पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। yes. कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है 76 साल से? इसके जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मोदी ने कश्मीर को बाकायदा भारत का अटूट अंग बना दिया। वाह मोदी जी वाह। और दुनिया जबानी जमा खर्च करती रह गई। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। भारत के साथ दुश्मनी किए करेंगे तो फिर यहीं खड़े रहेंगे जहां पे 75 साल से आ गए आप इस स्टेज पे कि आप आटे की लाइनें लगा ली गई हैं। आए हाय हाय हाय। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, ठीक है, तो हमें फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जो 50 लाख हिंदू हैं उनको ऑलरेडी डोमिसाइल दे चुकी है। चल झूठी, 50 लाख नहीं सिर्फ 98,000 को दिया है, झूठी है। और ये पाकिस्तानी आवाम को जो ये जहाद के लिए जहाज में बिठाना चाहती है ना, सारा क्रेडिट इसी को दिया जाता है, ये ही वल्गराती है। बहुत बढ़िया, हर मुसलमान दिल में एहसास पैदा कर लेगा दूसरे इंसान के लिए। सुनते जाइए, दिन पूरी दुनिया में मुसलमानों का हुकूमत होगी। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने के प्लान पर काम कर रहा है। अरे नहीं, कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो रिप्रेशन और जुल्म है उसे खत्म किया जाए डायलॉग के लिए, ताकि मसले का हल हो, एक एटमॉस्फेयर जो है वो वहां पे हमवार की जाए। अक़वामे मुत्तहिदा आलमी इदारे करारदादें पास करते रहे और कश्मीरी आजादी के लिए लहू बहाते रहे। हमें तो ये बताया जाता है जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बच्चा आज पैदा हुआ चूजा भी यही बोलेगा कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इनको ये भी नहीं पता कि इनको कश्मीर चाहिए क्यों। ये एक वीडियो है जिसमें पूछा गया कि भाई पाकिस्तानियों को कश्मीर क्यों चाहिए, तो इस बच्चे का जवाब सुनिए। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है हमारा। ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। बदल लिया साला। इन जाहिलों को पता नहीं इनको कश्मीर क्यों चाहिए, यही जवाब है। खासकर ये पाकिस्तान के ये जो रिपोर्टर है जहरीली नागिन फिजा खलीफा, ये भाई साहब 5 फरवरी को और 5 अगस्त को बना के आती है ऐसा लुक जैसे भेड़ चराने आई हो। सिर्फ ये बोल बच्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली 0-0 अंडा। इस फिजा नागिन की फ्रस्ट्रेशन बौखलाहट क्या क्या बिलबिलाती है ये कश्मीरियों के लिए, वही देखते हैं। चालू करो बे। कश्मीरियों की जो कुर्बानियां है ना, इन कुर्बानियों पर अक्वामे आलम की हैसियत अगर मैं कहूं कि तमाशाइयों से ज्यादा नहीं है, तो आप सब मेरी बात को सेकंड करेंगे, अग्री करेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। और इसी से शेफ आके कह लें कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी तौर पर कश्मीर को दी गई जो खसूसी हैसियत है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया था। वाह मोदी जी वाह। जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और उनको चाहिए कि थोड़ा सा अडमर भी करते हैं, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान है जो इंसानियत के तौर पर थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं,
और अच्छा। हमको भी चाहिए एज आ आवाम और एज आ हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। और मोदी ने कश्मीर को बाकायदा भारत का अटूट अंग बना दिया और दुनिया जबानी जमा खर्च करती रह गई। ये पाकिस्तानी साल में दो बार तो ब्लैक डे मनाते हैं कश्मीर के लिए, एक तो शायद फरवरी में, 5 फरवरी है या मुझे कुछ ठीक से पता नहीं, और एक 5 अगस्त। तो मैं बोलती हूँ यार, सिर्फ 2 दिन क्यों मनाते हो, पूरा साल ब्लैक घोषित कर दो। और नहीं तो क्या, पहले 4 जंगे हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाए। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है, अच्छा, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर। इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। आज भी दुनिया भर में कश्मीरी मोदी सरकार की इस बदमाशी और मुहज़्ज़िब दुनिया की खामोशी पर एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा जन्नत नसीर वादी होने पर ये जो भारतीय जो मजालिम है, इस वादी पर जो भारतीय मजालिम है, इन्होंने हर शख्स को यकीनी तौर पे मुस्तरब कर रखा है। इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बला के ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? भाई ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि खुद का पेट तो इनका भरा नहीं जा रहा, और ये लेंगे कश्मीर, इन्हें चाहिए कश्मीर, ये ले लो तुम। अच्छा मैं आपको बताऊं कि नवंबर 2019 में भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा, सीनियर सहाफी भारत भूषण और इसके अलावा जो भारत के एयरफोर्स के साबिक वाइस एयर मार्शल हैं कपिल कॉक, इन समय सिविल सोसाइटी के वफ्द ने मकबूजा कश्मीर का एक दौरा किया था। अच्छा। और अपनी आंखों से जो हालात देखे उसके बाद भारतीय साबिक एयर वाइस मार्शल के अल्फाज क्या थे कि 70 लाख कश्मीरियों को यकबस्ता जेल में रखा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है। भारत की मशहूर सहाफी अरुंधति रॉय जो हैं, उन्होंने भी 14 साल पहले यानी 2010 में नई दिल्ली में कहा था कि जी कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा और हम पाकिस्तानियों के दिल हमेशा कश्मीरियों के लिए धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे। क्या बात है, आज ये नहीं बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चढ़े पाकिस्तान। पाकिस्तानियों के सीने में दिल है जो धड़केंगे हैं? इस जाहिल बेगैरत औरत ने हमारी आर्मी पर आरोप लगाया। खैर इनके आरोपों से कुछ नहीं होता, हमारी आर्मी तुम्हारी की तरह नहीं है कि आवाम का खून चूसे और दखल अंदाजी करे, ठीक है? ठीक है जी। हमारी जो सेना है ना, वो अपनी जनता की रक्षा के लिए अपनी जान दे भी सकती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है, खासकर पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लगा सकती है। कोई शक, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, की आर्मी करती होगी इनके साथ, खासकर इस फिजा खलीफा का तो हलाला करती होगी, तभी इसकी सोच ऐसी है। आओ मुझे पकड़ लो, अपने मन से इतनी बकवास करती रहती है कि इसकी जुबान भी नहीं दुखती है यार, पक 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 लगी रहती है। बस इसको एक टॉपिक दे दो, खासकर भारत और कश्मीर दे दिया ना, ये बंदी 24 घंटे बोल सकती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय। तो ये था आज का वीडियो, और जाते जाते मैं पाकिस्तानी आवाम की सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। ये बंदे का जवाब सुनो भाई, कश्मीर क्या लेंगे, ये पहले खुद को तो ले लें। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम हम, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे। तो यही है इनकी हकीकत, ये कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ये ऐसे ही बिलबिलाएंगे, रोएंगे और फिर बैठ जाएंगे। इनका 1-2 दिन का ये ऐसे ही ड्रामा चलता है जब जब ऐसा होता है, बाकी करना इनके बस की बात कख नहीं है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, पीओके बनेगा हिंदुस्तान, फिजा रोक सके तो रोक लेना। तो यो गुड बाय।